हेलो एवरीवन माय वॉइस इज कमिंग और नॉट प्लीज लेट मी नो जस्ट वेट अ सेकेंड एक मिनट बस सब लोग एक मिनट रुक जाओ जस्ट ओके बस वेट अ सेकेंड गाइस प्लीज बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम ओके okay. बहुत दिनों बाद आप आए बाहर आई कहाँ गई मेरी पेन गुड मॉर्निंग एवरीबडी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग पेन कहा चली गई यार एक मिनट हा अरे यार कहा चली गई यहां है ओके तो चलो यार स्टार्ट करते हैं हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा और चलो शुरू करते हैं फिर आज के इस प्यारे से टॉपिक को तो चलिए स्टार्ट किया जाए बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं यार हम लोग है ना करीबन 10-15 दिन बाद है ना बहुत लेट कर दिया था ना अभी तो टाइम है स्टार्ट करने का तो चलो फिर यार स्टार्ट करते हैं आ जाओ सब लोग फटाफट अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दो और बहुत दिनों बाद हम लोग यहां पे आज सेशन ले रहे हैं टेंथ का इसके पहले हुआ बहुत सारी चीजें ठीक है इसके पहले हुआ है बहुत सी चीजें हुई हैं ठीक है चलो अभी शुरू करते हैं अच्छे से लेट्स स्टार्ट सब लोग आ जाओ फटाफट वेलकम आर हाँ यू अपूर्वा पालक पलक <laughs> पालक वेलकम नितिन कैसे हो आर हाँ यू संजीव अंकिता एवरीबडी एम आई विजिबल टू एवरी वन जल्दी बता दो फटाफट फिर आपन स्टार्ट करते हैं ओके okay, चलो सो so, फटाफट फड़ जल्दी जल्दी आ जाओ जल्दी से तब तक मैं नोट्स एंड ऑल ओपन कर लेता हूं कहा गई भाई कहा चली गई तुम दुनिया के इस झमेले में लोग खो गए आगे का मेरे को नहीं आता <laughs> चलो ओके अब शुरू करते हैं ओके यार ये गर्मी क्यों लग रही है इतनी चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं मेरी आवाज अच्छे से आ रही सबको सबसे पहले सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज है हमारे प्यारे वीर धुरंधर और पता नहीं क्या क्या मेरे को बोलने नहीं आता बट छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बहुत बड़ा फेस्टिवल एक ऐसे योद्धा जिनसे हम थोड़े से इंस्पिरेशंस ले सकते हैं और हम अपनी लाइफ को बेस्ट बना सकते हैं सो so, हैप्पी शिव जयंती टू एवरी वन एंड लेट्स स्टार्ट करते हैं अब आज के अपने इस टॉपिक को तो चैप्टर नंबर एट साइंस टू ठीक है सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अब फटाफट फ़ड़ में सीधा पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूं ठीक है टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करते हैं सीधा फटाफट फ़ड़ स्टार्ट करता हूं पढ़ाना और एक पूरा का पूरा चैप्टर नंबर एट पूरा का पूरा चैप्टर नंबर एट सिंगल इस पूरे के पूरे वीडियो में कवर हो जाएगा मैंने साइंस वन की वन शॉट ऑलरेडी आपको बना के दे दी है ठीक है ऑलरेडी तुमको दे दिया है अगर तुम लोग आओगे ना यहां पे किधर गया ठीक है अगर आप लोग YouTube में आओगे और तुम लोग यहां पे सर्च करोगे और देखोगे तो तुम लोग को मिल जाएगा ठीक है देखो कहां पे पूरा पूरा का पूरा सारी चीजें मैंने आप लोग को यहां पे डाल दी है देखो मैं तुम लोग को दिखाता हूं ओके देखो तुम लोग ऐसा आओगे ना यहां पे सर्च करोगे न्यू इंडियन एरा ऐसा आ जाओगे देखो अभी सब लोग लाइव है यहां पर प्लेलिस्ट में जाओगे प्लेलिस्ट में एंड प्ले लिस्ट में जाने के बाद तुम लोग यहां ढूंढोगे देखो ये हमारा वन शॉट साइंस टू का है अभी आठ चैप्टर टोटल हुए हैं आठ चैप्टर ठीक है अभी पूरा देखना है अगर तो यहां तुम लोग में फोन में दिखाएगा अच्छे से दिखाएगा ठीक है चलो दिखाता हूँ तुम लोग को मैं ठीक है पूरे साइंस वन का भी पूरा का पूरा कर दिया ये देखो इसमें क्लिक करोगे ना इसमें क्लिक करोगे भाई रुक जाओ आराम से ठीक है देखो यहां पर तो यहां पे तुम लोग को करीबन पूरा का पूरा एकदम एक्जैक्टली वीडियो मिल जाएगा देखो सारी की सारी दस के दसो वीडियो ऐसा पूरे दस के दसो चैप्टर साइंस वन के दस चैप्टर दस वीडियो में कवर एक एक घंटे के सारी वीडियो हैं दस चैप्टर दस वीडियो में कवर साइंस वन के पूरे वन शॉट जाओ देख लो पहले ही कवर कर दिया है इन वीडियो को देख लोगे ना फिर मतलब तुम्हें ऐसा फील होगा कि अगर तुमने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा स्टिल तुम साइंस वन के सारे वीडियो अच्छे से समझ पा रहे हो ठीक है तो ध्यान रखना अच्छे से चलो तो ध्यान दो समझ के आगे बढ़ोगे देखो ऐसा थमने लिया ध्यान रखना ये तो मैथ्स वन का है चलो ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं तो चलो शुरुआत करते हैं फिर ठीक है तो सब लोग आ चुके हो रेडी बहुत बढ़िया वेलकम आदित्य वेलकम अंकिता प्रमोद सांगले माधुरी हाउ आर यू वेलकम बहुत बढ़िया आदित्य बहुत बढ़िया कार्तिक रॉयल पीयूष नितिन याश्वी बहुत बढ़िया चलो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अभी अपन हम लोग आ जाओ तो साइंस साइंस टू साइंस टू साइंस टू।, टू के अंदर टोटल दस चैप्टर है दस में से हम आज देखने वाले आठवां चैप्टर जिसका नाम है सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी ये हमारे आज के इस प्यारे से चैप्टर का नाम है एक घंटे के अंदर फटाफट फड़ चलो स्टार्ट करते हैं ठीक है ध्यान दो जरा अच्छे से 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 सबसे पहले यहां पे आ जाओ इस चैप्टर से बहुत से बहुत एमसीक्यू टाइप एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डायग्रामेटिक क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में क्योंकि अब पहले का जो टाइम था ना पहले क्वेश्चन कैसे आते थे पहले क्वेश्चन आते थे कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे बट अब यार वैसा बिल्कुल भी नहीं होता अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो एक्टिविटी बेस्ड एमसीक्यूज डायग्रामेटिक क्वेश्चन इस तरीके से वन सेंटेंस में तीन चार दे देगा ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं उसी बेस पे तुम्हें पूरा वन शॉट करा के देता हूं तो चैप्टर का नाम ही है सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी ठीक है चलो अब चलो सब लोग शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की तो यार सेल बायोलॉजी की जब बात आती है तो सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि यार एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी जरा फटाफट फड़ा ध्यान देना अच्छे से बायो का मतलब होता है लाइफ एंड या फिर लिविंग एंड लॉजी जो वर्ड है यह लॉगॉस वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है स्टडी यानी कि द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स और लिविंग लाइफ कह दो जो कहना है कह दो सब करेक्ट है ध्यान देना अच्छे से तो एग्जैक्टली exactly बोला है सेल बायोलॉजी वट इज द मीनिंग ऑफ सेल वट इज एक्जैक्टली सेल तो इट इज सेल एक्जैक्टली क्या है तो सेल एक्जैक्टली फंडामेंटल यूनिट है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वट इज द मीनिंग ऑफ दिस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ तो फंडामेंटल का मतलब होता है कि यही एक चीज है जिसके वजह से हमारी लाइफ बनी हुई है समझा मैं क्या कह रहा हूं यही एक ऐसी चीज है जिसके वजह से हमारी लाइफ बनी हुई है एक मिनट हाँ ये एसी हवाई नहीं दे रहा है कूलिंग नहीं कर रहा बच्चा ट्वेंटी फोर पे किया हूं तो कैसे करेगा एक मिनट अब करेगा चलो आ जाओ ठीक है तो यहां देखो सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चलो अब इसका मतलब समझते हैं कि जो हमारा बॉडी होती है पूरी वो एग्जैक्टली exactly कुछ इस तरीके से छोटे छोटे सेल से बनी होती है ये तुम लोग को पहले भी मालूम है तो ये जो चीजें हैं ना इसे हम कह सकते हैं कि दीज आर दी स्मॉल यूनिट्स यानी कि यही है हमारा फंडामेंटल यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट ठीक है और इसी चीज को हम कहते हैं सेल इसी चीज को हम क्या कहते हैं इसी चीज को हम कहते हैं सेल इस बात को आपको अच्छे से समझ के रखना है तो वाइज यही है हमारा सेल इसे आप लोग को हमेशा ध्यान रखना ठीक है कोई भी टेंशन मत लो हिम्मत रखो भरोसा रखो बहुत आगे जाओगे पढ़ाई करोगे तब ना आगे जाओगे पढ़ाई नहीं करोगे तो टेंशन तो आएगा ही ठीक है तो इसी को हम कहते हैं सेल और सेल छोटे छोटे सेल मिला के एक लेयर बनी है और इसी लेयर से हमारी बॉडी बनी होती है यानी कि अगर ये सेल नहीं होते तो हमारी बॉडी नहीं बनती यानी कि ये सेल ही सब कुछ है जिसके वजह से ये हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है यानी कि सेल इज एवरीथिंग ओके चलो तो स्मॉल यूनिट्स क्या है ये जो सेल है फंडामेंटल यूनिट होते हैं इस सेल से हमारी बॉडी बनी है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम इसी सेल को कहते हैं चलो फिर यार और बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स हमारी बॉडी भी तो लिविंग है ना तो लिविंग थिंग्स की स्टडी करना ही बायोलॉजी है तो सेल बायोलॉजी का मीनिंग अब क्या होगा स्टडी ऑफ सेल दैट्स इट ठीक है चलो समझते हैं अच्छे से आगे की तरफ ठीक है तो सेल बायोलॉजी का मीनिंग फिर क्या होगा स्टडी ऑफ सेल इस बात को ध्यान देना और आपको मालूम है स्टडी ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं हम कहते हैं साइटोलॉजी इस बात को समझ के रखना साइटो मतलब का मतलब क्या होता है सेल लॉजी का मतलब क्या होता है स्टडी यानी कि स्टडी ऑफ सेल इस बात को हमेशा ध्यान रखना तो चलो फिर साइटोलॉजी की स्टडी करते हैं यानी कि आज हम साइटोलॉजी नाम के सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ठीक है सेल की स्टडी करते हैं चलिए सेल से हमारी बॉडी बनी है सेल ही तो है जो हमारे बॉडी के सारे फंक्शन को परफॉर्म कराता है चाहे वो सर्कुलेशन हो चाहे रेस्पिरेशन हो चाहे रिप्रोडक्शन हो चाहे रिप्रोडक्शन के साथ साथ सेल डिवीजन हो चाहे कोई भी लाइफ का प्रोसेस हो सारे लाइफ के प्रोसेसेस हैं तभी तो हम जिंदा हैं और इन्हीं लाइफ के प्रोसेस को परफॉर्म कौन करता है सेल करता है इस बात को हमेशा ध्यान देना अच्छे से क्लियर तो सेल बायोलॉजी यानी स्टडी ऑफ सेल या साइटोलॉजी मींस स्टडी ऑफ सेल ठीक है ध्यान देना अच्छे से तो चलिए फिर सेल की स्टडी करते हैं तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी ध्यान देना चलो अब हम सेल की स्टडी करते हैं ठीक है चलो ध्यान दो तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार सेल क्या है फिर उसके टाइप्स क्या हैं, फिर उनके टाइप्स में डिटेल एनालिसिस करेंगे तो इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इस बात को ध्यान देना अच्छे से सेल ही है सब कुछ जो परफॉर्म करता है जिससे हमारी बॉडी बनी होती है दैट्स इट चलो अब आगे बढ़ते हैं ये जो तुमको समझ गया अब हम जानते हैं कुछ इसके टाइप्स के बारे में तो जरा ध्यान देना अच्छे से सेल के वैसे तो 220 टाइप हैं बट उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट की बात करूंगा जिसके बारे में तुम्हारे चैप्टर में जिक्र है एक है सोमेटिक सेल देन स्टेम सेल आफ्टर स्टेम सेल देर इज जम सेल ठीक है इन सबको अच्छे से ध्यान दो चलो इन तीनों सोमेटिक सेल स्टेम सेल एंड जम सेल इन तीनों सेल के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं चलो स्टार्ट करते हैं तो यहां जरा ध्यान दो सबसे पहले हम जानेंगे कि सोमेटिक सेल आखिर क्या चीज है देखो तो जो सोमेटिक सेल की जब बात आती है तो सोमा सोमा का मतलब होता है बॉडी यानी कि सोमेटिक सेल जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी को बनाता है और एक बात ध्यान देना इंपॉर्टेंट पॉइंट जो माइटोसिस नाम का सेल डिवीज़न होता है ना माइटोसिस सेल डिवीज़न वो इसी सेल में होता है इस बात को ध्यान रखना और सोमेटिक सेल कैसा सेल होता है ये डिप्लॉइड सेल है कैसा सेल है डिप्लॉइड सेल है ये पूरे स्किन में जो यहां प्रेजेंट है सब सोमेटिक सेल है ध्यान देना अच्छे से चलो अब आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट वन इज दूसरा हमारा जम सेल जम सेल अब जरा इसकी बात करते हैं तो जम सेल हमेशा ये भी डिप्लॉइड रहता है डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसके सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो ठीक है इस बात को ध्यान देना और ये जो जम सेल होता है इसी से गैमेट्स गैमेट्स आर फॉर्मड थ्रू थ्रू जम सेल ठीक है इस बात को ध्यान देना और चीज बताऊं जम सेल में जो मियोसिस होता है ना मियोसिस, मियोसिस सेल डिवीज़न म्योसिस सेल डिवीजन इसी में होता है यहां पे ये 2n का क्या कर देता है n कर देता है नंबर ऑफ क्रोमोजोम बिकम्स हाफ और यहां पे 2n का 2n ही रहता है माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोजोम ऑलवेज सेम इस चीज को हमेशा समझ के रखना बहुत बढ़िया याद है यहां तक ये दोनों टाइप ऑफ सेल हमेशा याद रखें रहे और रहेगा तुम लोग को वेलकम ऋषिकेश वेलकम एवरीबडी वेलकम वर्चुअल शिवाजी नीट प्रिंसेस दिव्या नितेश ओके बहुत बढ़िया सचिन सौरभ नितिन चलिए अनुष्का बहुत बढ़िया चलो ठीक है लेट्स बिगिन आगे बढ़ते हैं अब सोमैटिक सेल एंड जम सेल तुम्हें अच्छे समझ गया है अब हम बात करेंगे कहा चला गया यार इधर है हाँ अब हम बात करेंगे लास्ट स्टेम सेल की ये सबका पापा है <laughs> ओके okay. तो ये सबका पापा है इसे कहते हैं हम रूट सेल इसे हम क्या कहते हैं रूट सेल इसी सेल से हमारे बॉडी के सारे सेल डिवाइडेड हैं हमारी जो बॉडी होती है ह्यूमन बीइंग की जो ह्यूमन बॉडी है हमारी बॉडी में 220 टाइप के सेल अवेलेबल हैं कितने टाइप के सेल हमारे बॉडी में अवेलेबल हैं हाथों से लेकर के ऐसे हाथों से लेकर के पूरे बॉडी में सारे के सारे सेल टोटल 220 टाइप के सेल हमारे शरीर में हैं और ये सारे 220 टाइप के सेल जितने भी हैं ये सारे सेल चाहे वो ब्रेन का न्यूरोन्स हो चाहे वो हार्ट का सेल हो चाहे वो लिवर का हेपेटोसाइट हो चाहे वो रीनल यानी किडनी का सेल हो चाहे इंटेस्टाइन का हो चाहे वो स्किन की आउटर लेयर हो चाहे वो किसी भी ऑर्गन का सेल हो चाहे वो बोन सेल हो चाहे वो रेड ब्लड सेल दैट इज ब्लड हो चाहे वो डब्ल्यू यानी कि व्हाइट ब्लड सेल हो चाहे वो प्लेटलेट्स तो सेल ही नहीं है फिर बाकी जितने भी चीजें हैं सब के सब सारे कॉर्पसल्स जो भी हैं जैसा भी हमारे बॉडी में टोटल जितने भी सेल हैं सब टोटल 220 टाइप के ही सेल हैं हे है तो मिलियंस ऑफ सेल बट 220 तरीके के सेल हैं जो बहुत सारे हैं ठीक है ध्यान देना अच्छे से तो ये सारे सेल स्टेम सेल से बने होते हैं यानी स्टेम सेल सबका रूट है कैसे बनते हैं अब बताता हूं चलो आ जाओ सब लोग ये आपको कोई नहीं बताया रहेगा अब देखो यहां पे चलो आ जाओ फटाफट सारे के सारे बच्चे इस चीज को समझ के लेते हैं आ जाओ फटाफट यहां देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब यार एक मेल होता है और एक फीमेल होती है तो इसका यहां देखो तो इनके पास तो इनके पास क्या रहता है इनके पास ना सेल होता है इनके पास सेल होता है इनके पास भी सेल रहता है ये दोनों का सेल कैसा होता है जानते हो ये दोनों का सेल डिप्लॉइड होता है दैट इज टू एन अब आगे बात करते हैं तो इन दोनों का क्या होगा इन दोनों का मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है इन दोनों के जम सेल का ये दोनों 2n होते हैं ये दोनों चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो दोनों के 2n जम सेल होते हैं तो मियोसिस जब होगा ना तो मियोसिस होने के बाद इसमें से स्पम बनता है और इसमें से ओवम बनता है ठीक है और ये स्पम और ओवम हैप्लोइड होते हैं यानी कि एन का एन बन जाते हैं और इनसे हमें मिलता है जायगॉट यानी कि 2n ठीक है दोनों मिल गए बन गया इसी को कहते हैं हम, इसी को को कहते कहते हैं हैं हम हम फर्टिलाइजेशन कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं यहां तक की सारी बातें समझ गई कमेंट में बता दो फटाफट एक बार चलो अगर समझ गया तो फटाफट एक हार्ट भेज दो जल्दी से समझ जाऊंगा कि सबको समझ गया वेलकम आर एन अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं हुई तो वन शॉट देख लो ठीक है बहुत बढ़िया ग्रेट ग्रेट अमृता सानिका अलिशा चंदू रीमा रेखा मयूर हवरियू कैसे हो सोविक महबूब चलो ओके आगे बढ़ते हैं तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया एंड अब क्या होता है कि मॉम के पेट में जायगाट जैसे ही बनता है तो बनने के बाद करीबन सात दिन में ये क्या बन जाता है इम्ब्रायो बन जाता है और इम्ब्रायो खुद एक टूएर होता है इम्ब्रायो ठीक है अब यहां से ध्यान देना बॉडी बनना चालू होगी अब मॉम के यूटेरस में नाइन मंथ तक ये इम्ब्रायो से बेबी बनेगा अब कैसे बनेगा आ जाओ दिखाता हूं तो इसी इम्ब्रायो से इसी इम्रायो से ब्रेन बनेगा ब्रेन के सेल आएंगे चलो बताता हूं कैसे आएंगे देखो ध्यान से देखो तो इम्ब्रायो से ब्रेन सेल बनेगा ब्रेन सेल इसी से लिवर सेल लिवर सेल इसी से स्किन इसी से हार्ट सेल समझ रहे हो सब बनेंगे और ये सेल ये सेल छोटे छोटे सेल मिल करके इस तरीके से लेयर बनाएंगे लेयर और इसी से क्या बनेगा फिर ब्रेन बन जाएगा समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं इसी से क्या बन जाएगा फिर ब्रेन बन जाएगा ओके क्लियर लिवर इसी तरीके से तो लीवर भी इसी तरीके से बन जाता है ठीक है फिर स्किन ऐसे स्किन बन जाएगी सेल से और ऐसे इसी तरीके से हार्ट बन जाएगा समझा कि नहीं समझा और ये सारे ऑर्गन्स को मिला करके हमारी बॉडी बन जाती है क्लियर समझ गया हेलो एवरीवन सब बच्चों को क्लियर है यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो तो ये जो जाइगोट है ये इम्ब्रायो और इम्ब्रायो से सारे सेल बनते हैं हमारे शरीर के पूरे बॉडी के सारे पार्ट्स के सेल इस इम्ब्रायो से बनते हैं और फिर इम्ब्रायो से सारे ऑर्गन और ऑर्गन से बॉडी बन जाती है तो बच्चा पार्टी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो इम्ब्रायो है दिस इम्ब्रायो इज नथिंग बट सेल बिकॉज दिस इज द रूट सेल दिस इज द रूट सेल दिस इज सेल दिस इज द रूट सेल Because इसी एक सिंगल सेल से बाकी सारे के सारे सेल डिवाइडेड है दिस द रूट सेल विच इज स्टेम सेल ओके याद रहेगा हमेशा बहुत बढ़िया चलो ठीक है इस चीज को समझ के रखो क्लियर बता दो मुझे फटाफट सबको समझ गया बहुत बढ़िया चलो 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 आगे बढ़ती है अब फटाफट भगाने का टाइम आ गया कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई यहां तक सब बच्चों को समझा फटाफट यस बोलो यस समझा तो यस बोलो नहीं समझा नो बोलो जल्दी बोलो यार हिंदी कुड़ी सी समझा कि नहीं समझा <laughs> क्लियर है क्लियर है क्या सबको जल्दी बोलो ओके चलो सबको क्लियर है वेलकम वसंत तो किसी को कोई डाउट नहीं है क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन दे दूंगा डूब जाओ आज ही मिल जाएगा इंटरेस्टिंग बहुत बढ़िया जिसको नहीं समझा दोबारा देख लेना चलो आगे बढ़ते हैं चलो अब आगे जाएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब क्या होता है कि अभी अभी हमने देखा कि हमारा जो सेल है हमारा जो इम्रायो है इसने खुद को डिवाइड किया इसने खुद को डिवाइड किया दिस इज द स्टेम सेल ओके स्टेम सेल इज द रूट सेल स्टेम सेल हमारा रूट सेल होता है इसी सेल से सारे सेल बनते हैं इस सेल से कितने सेल बनते, है? बनते हैं 220 टाइप के सेल बनते हैं 220 टाइप के सेल तो इम्राय हमारा खुद को डिवाइड करता है और डिवाइड करके बॉडी इससे बनती है मतलब बॉडी को ये ऑर्गेनाइज करता है पूरी बॉडी को ये बनाता है डिवाइड करके तो यानी कि इसका मतलब बच्चा पार्टी इस इम्ब्रायो के पास यानी इस स्टेम सेल के पास एबिलिटी है ना एबिलिटी है ना टू डिवाइड इट सेल्फ एबिलिटी है ना एबिलिटी है ना टू डिवाइड इस सेल के पास क्या है एबिलिटी है खुद को डिवाइड करने की एंड गाइस आपको पता है इसी एबिलिटी को यानी कि अ सेल विच हैज एबिलिटी टू डिवाइड इट सेल्फ

ज प्लूरी पोटेंसी वन मार्क्स क्वेश्चन ऑलवेज रिमेंबर ओके ध्यान रखना इस चीज को चलिए आगे बढ़ते हैं ये समझ गया होगा तुमको अब अब हम सीधे कूद पड़ेंगे अपनी टेक्स्ट बुक में कहा जाएंगे अब हम अपनी टेक्स्ट बुक में जाएंगे अब सीधा क्योंकि अब इसके बाद कोई भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक नहीं है अब हम जाएंगे अपने टेक्स्ट बुक में चलो आ जाओ फटाफट

<गण> मेरा है। रुक जाओ एक मिनट यहीं से शुरू यहीं पे पढ़ा था मैंने हाँ देखो चलो देखो 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 ओके अभी जो मैंने तुमको प्लूरी पोडेंसी का कॉन्सेप्ट सिखाया वो जानते हो किधर लिखा है बहारो फूल बरसाओ ये लिखा है ध्यान से पढ़ सब लो सब लोग प्लूरी पटेंसी का कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी देख लो एक बार फटाफट जल्दी से जल्दी देख लो ओके देख लिया बहुत बढ़िया चलो जल्दी फिर देख लो एक बार अमृता सिंह सर आप दुखी हो गया <laughs> नहीं यार मैं क्यों दुखी रहूंगा आई एम हैप्पी ओके सो प्लू पोटेंसी समझा क्लियर ध्यान देना चलो अब ये सब कुछ तुम्हें मालूम है आ जाओ सीधा ये स्टेम सेल कल्चर में मैंने तुम्हें वही बताया तो दिख भी नहीं रहा यार बुक में मतलब कि तुमको बस इतना समझना है कि ये हमारा यहां पे स्टेम सेल है और इस स्टेम सेल से सारे चाहे वो ब्रेन हो इंटेस्टाइन लिवर हार्ट बोन सब बनता है मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है सब इसी से देखो डिफ्रेंशिएट होकर सेल बनते हैं वो एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी ये ये वाले के बेस पे। अभी आ भी चुका है कौन कौन से ऑर्गन तुम डोनेट कर सकते हो ठीक है बोर्ड एग्जाम में पिछले साल पूछ चुका है ये क्वेश्चन तो आईज, लंग्स लिवर बोन्स स्किन किडनी पैनक्रियाज हार्ट ये सारे ऑर्गन्स को तुम डोनेट कर सकते हो इस बात को ध्यान देना अच्छे से क्लियर हमेशा इस चीज को समझ के रखना तो इतने सारे ऑर्गन्स को आप डोनेट कर सकते हो अब कल को कोई उठ के बोलेगा कि भैया एक बात बताओ क्या हम अपने ब्रेन को भी डोनेट कर सकते हैं <laughs> भाई पहले तुम्हारे पास होना चाहिए दिमाग तब ना डोनेट करोगे <laughs> जब तुम्हारे पास रहेगा तभी तो डोनेट करोगे <laughs> नहीं भाई तुम्हारा दिमाग हमें नहीं चाहिए <laughs> ओके okay. <laughs> तो ब्रेन ब्रेन डोनेट नहीं कर सकते ध्यान रखो अच्छे से ओके okay? चलो अब आगे बढ़ते हैं अब आ जाओ नए टॉपिक में चलो अब स्टार्ट करते हैं एक नई चीज कितने लोगों के पापा किसान हैं फार्मर जल्दी बताओ फटाफट जल्दी आंसर दो कितने लोग गांव से बिलोंग करते हो कितने लोग के पापा किसान हैं पुष्पा का डायलॉग <laughs> ऐसे बोलता है ना वो प्रशांत सुन के शांत समझे क्या फायर है मैं। <laughs> चलो अब यहां देखो सो so, सब आ, ओके फार्मर बहुत बढ़िया ठीक है सब अरे फार्मर नहीं भी होंगे तो सबके गांव में जमीन होगी जमीन में खेती होती है शेत करी, शेत करी क्या बोलते उसको शेती तुम्हें सगले शेती करता ना <laughs> ओके, okay, शेता मधे शेती करता ओके ओके okay. okay, चला चला बहुत बढ़िया वैसे किसान भगवान होते हैं यार उनके बिना कुछ नहीं चलो यहां देखो अभी अब आपसे एक बात बताता हूं मैं तुम सबके चैट पढ़ रहा हूं यहां पे देख लो अब आ जाओ यहां पे, अब समझना अच्छे से तो मान लो ये खेत है इतना ही है और इसमें क्रॉप्स है इसमें बहुत सी क्रॉप्स है इसमें बहुत सी क्रॉप्स तुमने डाल रखी है इसमें बहुत सी क्रॉप तुमने डाल रखी है अब ये जो क्रॉप है क्रॉप ठीक है फसल जिसे कहते हैं फसल जो भी तुमने क्रॉप डाली है तो इतने के एरिए में तुमने वन केजी वन केजी तुमने मान लो सीड सीड डाला अब तुम चाहते हो कि इसमें से करीबन सौ के जी तो भी होना चाहिए वन के जी डाला तो सौ के जी होना चाहिए इतना होता भी है ऐसी बात नहीं नॉर्मल है अब खेतों में इतना ही तो हम लोग डालते हैं सीड लेकिन कितना सारा होता है है ना तुमने देखा भी रहेगा जितने लोग खेती करते होंगे गांव में उन्हें पता होगी यह बात ओके चलो आगे बढ़ते हैं तो सौ के तो कम से कम होना चाहिए लेकिन एक बात बताओ अगर कुछ ऐसा हो जाए अगर कुछ ऐसा हो जाए कि मैंने वन के डाला यहां पर वन के जी सीड तो चलो एक बात बताता हूं ध्यान देना अच्छे से मान लो कोई एक राम नाम का बंदा है और राम नाम का बंदा सिर्फ वन के जी डालता है तो सौ के जी निकलता है सीड ओके और एक श्याम नाम का बंदा है और ये वन के जी डालता है तो भाई दो सौ के जी निकलता है प्लस इसके सीड में न्यूट्रिशन भी ज्यादा है इसके वाले यील्डिंग में येडिंग का मतलब होता है जो हमें मिलता है खेती करने के बाद जो हमें मिलता है है ना उसे कहते हैं तो इसके में न्यूट्रिशन भी ज्यादा है और इसमें य भी ज्यादा हो रही है और इसके इसके फसल की इसके क्रॉप की वैल्यू भी ज्यादा है क्योंकि डाला तो वन के जी है और सिर्फ दो सौ के जी मिल गया न्यूट्रिशन भी अच्छा खासा वैल्यू भी अच्छी खासी समझ रहे हो ध्यान रखो पहला केस दूसरा केस राम टमाटर टमाटर रहता ना टोमेटो उसकी खेती करता है तो उसके में इतना टमाटर डाले इतना इतने होते हैं सिर्फ टमाटर श्याम टमाटर के बीज डालता है सीड इतने बड़े बड़े टमाटर होते हैं एकदम मस्त न्यूट्रिशन वाले ये बात हो गई तीसरा जो राम है वो नॉर्मल राइस डालता है खेत में उसमें से नॉर्मल राइस आता है ज्यादा राइस का अमाउंट भी नहीं रहता उसमें न्यूट्रिशन भी नहीं है लेकिन श्याम पता नहीं कौन सा सीड यूज करता है कि ये डालता है तो न्यूट्रिशन भी अच्छा होता है और उसकी वैल्यू भी अच्छी खासी है तो ऐसा क्या यूज कर रहा है श्याम जिसके वजह से वही खेत वही पानी वही खत जो होती है खाद यानी कि फर्टिलाइजर वही सब कुछ है बट स्टिल इसकी यील्डिंग इतनी ज्यादा है ऐसा कैसे पॉसिबल है पॉसिबल है बच्चा पार्टी तो जो श्याम है वो पढ़ा लिखा किसान है बुद्धू नहीं है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल कर रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जिसे हम जीएम क्रॉप्स भी कहते हैं क्या कहते हैं जीएम क्रॉप्स भी कहते हैं समझा अच्छे से क्लियर एवरीबडी बस लाइक प्लीज फोकस हियर ओके ध्यान देना अच्छे से चलो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखो सारी चीजों को तो ये जीएम क्रॉप्स का इस्तेमाल कर रहा है ये क्या होता है जीएम क्रॉप्स क्या होता है देखो क्या रहता है ना कि जो भी सीड हमारे पास आती है इसके जीन्स में अब सभी की इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए जीन्स में होती है हमने चैप्टर नंबर वन में पढ़ा है तो प्लांट की सीड की भी इंफॉर्मेशन जीन्स में रहेगी हम क्या करते हैं अपने हिसाब से इसके जीन को मॉडिफाई कर देते हैं हम अपने हिसाब से इसके जीन को पकड़ के मॉडिफाई कर देते हैं इसके जीन्स में स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोटाइड में लिखा रहता है कि दस में से दस ही सीड देगा हम वहां चेंज करके बीस सीड कर देंगे उतनी सारी यील्डिंग होने लगती है अपने आप दिस इज दी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ओके तो इन्हीं को हम कहते हैं जीएम क्रॉप्स एंड दिस टेक्नोलॉजी इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू बायो टेक्नोलॉजी मतलब इज कॉल्ड एज बायो टेक्नोलॉजी इसी चीज को हम क्या कहते हैं बायो टेक्नोलॉजी कहते हैं तो जो भी चीजें यहां पे हम लोग ये जीन्स को मॉडिफाई करते हैं ना बस इसी चीज को हम लोग बायो टेक्नोलॉजी कहते हैं क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान रखना चाहिए तो व्हाट इज एग्जैक्टली बायोटेक्नोलॉजी हम इंसानों की लाइफ को इजी बनाने में ये हेल्प करता है लिविंग थिंग्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उनके बॉडी में चेंजेस कर देना और अपने हिसाब से उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं ठीक है ये काम है बायोटेक्नोलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी बहुत बड़ा फील्ड है आने वाले टाइम में हम डीएनए में भी चेंजेस ला सकते हैं खुद के दम पे कोई काला है तो उसे हम गोरा कर सकते हैं इतनी ताकत हमारे में आ जाएगी जब बायोटेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो जाएगा आज के वक्त में आप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बाद बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री ले सकते हो बायोटेक्नोलॉजी खुद में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बहुत बड़ा फील्ड है खुद में खुद में एक बहुत बड़ा फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी इस चीज को हमेशा ध्यान देना जिसमें हम जीन्स को मॉडिफाई करके बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं तो इस चीज को हमेशा समझ के रखना चलो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं चलिए जिसको भी इस बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन चाहिए देखो यहां लिखा हुआ है आ जाओ सबको दिखा देता हूं फटाफट फड़। क्योंकि अब थोड़ा अब कोई कॉन्सेप्ट की बातें नहीं है कॉन्सेप्चुअल चीजें मैंने अब तक सब डिटेल में बता दिया अब पूरा थियोरटिकल है भाई बड़ा हो जाए थोड़ा सा चलो ठीक है अब देखो यहां पर तो यहां से पढ़ना चालू करो तुमको सब समझेगा कहा गया हाँ देखो जेनेटिक चेंजेस करके हाइब्रिडाइजेशन इन दी ऑर्गेनिजम वेलफेयर ह्यूमन वेलफेयर साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग ये सब करके सब बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूडेड है बायोटेक्नोलॉजी का मेन फंक्शन ही है कि हाई क्लास वैरायटी की क्रॉप्स को प्रोड्यूस करवाना ज्यादा बड़ी बड़ी और ज्यादा यील्डिंग वाली क्रॉप्स को प्रोड्यूस कराना ठीक है विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर एंड ऑल सब सिखाया है तुमको पहले ही चलो अब सीधा मेन मुद्दे पे जाते हैं हाँ ये एग्जाम में आता है प्लीज ध्यान देना बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स मेन एरियाज ये पूरा पढ़ के जाना एग्जाम में आता है पहले ही बोल देता हूं

पानी नहीं गिरता तो देखो खेत की, की सारी जो फसल होती है सूख जाती है तो हम क्या करेंगे हम ऐसा जींस उसका मॉडिफाई करेंगे क्रॉप का साइंटिस्ट लोग बैठ के कि उसको धूप आएगा ना धूप लगेगा ना टेम्परेचर तो भी कुछ नहीं होगा वो फिर भी बड़ी होगी हम ऐसा उसके जीन्स में चेंजेस कर देंगे उसको ताकत दे देंगे जीन्स मॉडिफाई कर देंगे इसी को तो कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स देखो ना तो टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता फर्टिलिटी ऑफ सॉइल से फर्क नहीं पड़ता कुछ नहीं होगा बस वो हिल्डिंग देगी फिर भी देखो लिखा है पढ़ लो खुद से ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ फास्ट फ्रूट सेटिंग देखो अभी मान लो एक कोई फ्रूट है है मेरे को आम आम खाने का है। अब आम किसी मौसम में होता है किसी मौसम में नहीं होता मेरे को चौबीसों महीने चाहिए भाई बारह महीने मेरे को चाहिए मैं ऐसा मॉडिफाई करूंगा हर महीने आम मेरे को मिलेगा चार महीने में आम पकने वाला रहता है रिपनिंग ऑफ फ्रूट मैं उसको जल्दी पका सकता हूं तो सब मेरे हाथ में है सब जेनेटिकली मॉडिफाई कर देंगे हम लोग ठीक है ये सब आप अच्छे से ध्यान दो पढ़ लेना अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं फटाफट ध्यान दो तो कमर्शियल एप्लीकेशन क्या है बायोटेक्नोलॉजी के फायदे क्या हैं अब तो तुम समझ ही गए हो एक किसान जिसके घर में पैसे कम है कम खेत है तो वो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके ज्यादा यील्डिंग करके ज्यादा खेती कर सकता है ज्यादा फसल होगी ज्यादा पैसा कमाएगा समझा ना कितना फायदा है कमर्शियली कितना फायदा है तो क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में नई नई इंप्रूवमेंट होती है हाइब्रिड सीड मॉडिफाइड तुमको बता दिया प्रोडक्शन है, है है, करते हैं गोल्डन राइस पहले के जमाने में जो आज से 60 साल पहले 60 इयर्स बैक अगर हम जाते हैं तो इंडिया में बहुत मैल न्यूट्रिशन था लोगों के शरीर में प्रोटीन नहीं था लोगों का डेवलपमेंट बराबर तरीके से नहीं होता था फिर बहुत से रिवॉल्यूशन हुए और भारत देश के अंदर हरियाली आई दुनिया में और राइस के अंदर न्यूट्रिशन आया एंड द बेस्ट एग्जांपल इज गोल्डन राइस गोल्डन राइस के अंदर गाइस 23 टाइम time, 23 टाइम्स ज्यादा न्यूट्रिशन है एज कंपेयर टू अदर राइस इस बात को हमेशा ध्यान देना अच्छे से ठीक है अब बात करते हैं इस, इसके बारे में हरबी टॉलरेंट प्लांट अब जिसके जिसके मम्मी पापा खेती करते होंगे या तुम भी उनका हाथ बटाते रहोगे खेती में तो तुम्हें पता होगा कि जब खेतों में हम लोग क्रॉप डालते हैं ना तो क्रॉप के आजू बाजू वो घास भी जम जाती है उसे तुम क्या कहते हो आई नो तुम्हारी भाषा में बट मैं जो समझा रहा हूं तुम्हें पक्का समझा होगा कि खेत में जो घास होती है वो घास हमारे फसल के साथ हमारी क्रॉप के साथ साथ वो भी उगती है और अगर ऐसा होता है तो सारा न्यूट्रिशन तो घास खा लेती है तो हमारी जो फसल है वो कैसे बड़ी होगी तो ये तो बहुत समस्या है तो अब फिर पहले के टाइम पे क्या होता था कि मेरे मम्मी भी पहले किया करती थी गांव में मैं जानता हूं तो क्या होता था कि वो फसल के खेत में जाने का और उसके घास को निकालने का बहुत टाइम जाता है चार पांच दस दिन चला जाता है बड़ा खेत रहेगा तो ठीक है तो वो ना उसकी घास निकाल निकाल के फेंकने का और क्रॉप को लगे रहने देने का यह करते थे हम लोग लेकिन अब ना अब ना हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया क्रॉप को कि हमारी क्रॉप बाजू में अगर घास भी उगेगी ना हमको फर्क नहीं पड़ेगा हमारे घास हमारे फसल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी फसल वैसे ही बड़ी होगी इसी को कहते हैं हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट हर्बिसाइड मतलब घास के बाजू में अगर फसल भी है घास भी उगरी कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारी फसल को कुछ नहीं होगा लिखा भी है वीड्स इसी घास को हम वीड कहते हैं तो वीड्स ऑलवेज अफेक्ट ग्रोथ ऑफ मेन क्रॉप इफ हर्बिसाइड आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स इट अफेक्ट्स अफेक्ट मेन क्रॉप टू ड्यू टू दिस हर्बिसाइड टॉर्डर प्लांट प्लांट वराइटीज ऑफ क्रॉप्स आर बींग डेवलप्ड डू डू दिस इट है मैं कौन सा कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया That's it. चलो आगे बढ़ते हैं बायो फर्टिलाइजर अब जैसे कि तुम जानते हो कि नॉर्मल फर्टिलाइजर अगर हम यूज करते हैं तो हमारे खेतों में समस्या होती है भाई खेतों में खेत हमारे जो मिट्टी है सॉइल है वो अनफर्टाइल हो जाएगी अनफर्टाइल होगी तो फिर हम नेक्स्ट ईयर कैसे उसमें फसल उगाएंगे तो इसीलिए बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है इससे खेतों को कोई नुकसान नहीं होता यह बैक्टीरिया बनते हैं जैसे कि तुमने खाना खाया और जो तुमने खाना खाया उसको तुमने क्या कर दिया उसको सड़ा दिया और उसका इस्तेमाल कर दिया अपने खेतों में गोबर रहता है गाय का है ना खाना घर का बचा हुआ इन सबको खेतों में डालने का ठीक है जो वेस्ट मटेरियल है उन सबको खेतों में डालने का सब बायोफर्टिलाइजर एनिमल हस्बैंड्री देखो भाई हमारे भारत देश में आज से नहीं आज से हजारों साल पहले से भी गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली इन सबको पाला जाता था अपने बेनिफिट के लिए कुछ शॉक के लिए भी कुत्ते बिल्ली को पालते हैं बट आज के टाइम पे गाय भैंस बकरी जो ये हैं, ये एनिमल हस्बैंड्री नाम के अंदर आते हैं कैसे इनसे फायदा होता है हमारे सोसाइटी को इससे यह फायदा होता है एग्जैक्टली exactly कि अभी मिल्क कितना ज्यादा प्रोड्यूस करती है हमारी भैंस एंड गाय तो इससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है इस चीज को हमेशा समझ के रखना कमर्शियली अरे अमूल दूध कितनी बड़ी कंपनी बन गई ह्यूमन हेल्थ की बात करते हैं अब कुछ बीमारी जैसे एड्स हेपेटाइटिस और बहुत सी लिवर की इश्यूज ये सब क्योर नहीं है इनका इनकी दवाई नहीं दुनिया में ठीक है लेकिन फिर भी तुम जीन्स को अगर मॉडिफाई कर सकते हो तो तुम इसे ठीक कर सकते हो बट ऐसी अभी कोई चीज बनी नहीं दुनिया में किसी ने बनाया ही नहीं है ठीक है तो अब जरा ध्यान से सुनना अच्छे से मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम सबके लिए ह्यूमन हेल्थ हम ना बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जैसे कोई इंसान है मान लो अब कोई इंसान की अंदर इम्यून सिस्टम कमजोर है तो हम क्या कर सकते हैं हम उसके जीन्स में मॉडिफाई कर देंगे और उसको स्ट्रांग बना सकते हैं और कोई भी बीमारी फिर उसको कभी होगी नहीं सोचो ह्यूमन हेल्थ नई नई थेरेपीज जेनेटिक थेरेपीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन अब जैसे कि तुमने देखा भी कोरोना वायरस कितना दुनिया में फैला था तो वैक्सीन बनाई गई फिर भी वैक्सीन का कोई फायदा नहीं बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी फायदा नहीं है हंड्रेड परसेंट फायदा नहीं है बट ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ भी फायदा नहीं है कुछ तो फायदा है बट पूरा पूरा फायदा नहीं है क्योंकि जिसने वैक्सीन ली उसको भी कोरोना हो रहा है ठीक है अपने को खुद सुरक्षा रखनी पड़ती है तो वैक्सीन एग्जैक्टली क्या है हमारे शरीर में जब कोई भी वायरस या बैक्टीरिया घुसता है तो हमारे बॉडी के अंदर का इम्यून सिस्टम उसको मारने के लिए रेडी हो जाता है बट कभी कभी क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम समझ नहीं पाता कि सामने वाली वायरस बैक्टीरिया कितनी है और कितनी स्ट्रांग है कहां से आई है कौन है तब तक वो बैक्टीरिया फैल चुकी होती है वायरस फैल चुका होता है और हमें किल कर देता है हमारे इम्यून सिस्टम को तो ये जो वैक्सीन है ये वैक्सीन क्या करती है जैसे अगर हमने कोरोना की वैक्सीन ली तो तुरंत वो हमारे बॉडी को बता देगा कि कोरोना नाम का वायरस कोरोना बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंट्री किया है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्साइटेड होता है और तुरंत जाके सामने वाले को किल कर देता है तो ये फायदा होता है वैक्सीन का तो वैक्सीन सिर्फ एक एक्साइटमेंट क्रिएट करती है हमारे इम्यून सिस्टम को जगाती है कि उठो जागो देखो कौन आया है मारो इसे घुस गया हमारे अंदर तो यह काम है वैक्सीन का तो वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वरना सब काम हमारा ही करता है। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम ही सब काम करता है कोई हमें बचा नहीं सकता हमारा एक्साइटमेंट का देता है आगे बढ़ते हैं ये बोर्ड एग्जाम में आया था ये पोटेटो का एक्सपेरिमेंट है जहां पे तुमने आइसोलेशन किया था डिजायर्ड ह्यूमन पैथोजन का उसको तुमने डाला इस वायरस को पोटेटो के अंदर फिर वो ट्रांसजेनिक बन गया यानी कि ट्रांसफर किया उस जेनेटिक कैरेक्टर्स को एंड यहां पे तुम्हें पता चला बस जस्ट क्योंकि इंटरफेरॉन एक प्रोटीन है जो हमारे वायरस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ने में हमारी हेल्प करता है तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल साइज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिसीज पहले ही बोला जीन थेरेपी जैसे कि फिनाइल की या फिर ऐसी बहुत सी बीमारियां लीवर के कुछ सेल्स डिसीज कुछ खराब हो जाए या कोई तुम्हारे सोमेटिक सेल में कोई प्रॉब्लम आ जाए ठीक है तो तुम लोग जीन थेरेपी का इस्तेमाल करके ऐसी बीमारियों को ठीक कर सकते हो क्लोनिंग क्लोनिंग एक बहुत बड़ी चीज है जैसे कि मैं एक इंसान हूं और मेरे बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ गई जो कभी ठीक नहीं हो सकती मान लो मेरे हार्ट में कुछ इश्यू है और मेरे जैसा हार्ट किसी को मिलने नहीं वाला ठीक है तो अगर मैंने मेरा क्लोन बना रखा है ना तो मैं अपने क्लोन मेरे जैसा ही है वो तो उसके हार्ट को निकाल के अपना लगा लूंगा वो मर जाएगा <laughs> तो क्लोनिंग का ऐसा फायदा होता है बट क्लोनिंग दुनिया में बैन है क्योंकि पहले लोग ऐसा करते थे बट यार जिस इंसान जो हमने बनाया उसे भले वो हमारे जैसा ही है हमारा ही इंसान है बट वो भी तो एक इंडिविजुअल इंसान है ना तो क्या उसकी फीलिंग नहीं है उसको पेन नहीं होगा उसको भी सब होगा तो फिर हम क्लोन नहीं बना सकते अब बैन है पूरी दुनिया में

मान लो हमने कहीं हाथ रख दिया तो वहां पे हमारा फिंगरप्रिंट बन जाता है और उसी फिंगरप्रिंट से हम पता लगा लेते हैं कि सामने वाला बंदा कौन कहां कैसे रहता है और आजकल तो आधार कार्ड में हमारा सारा आंखों का स्कैन हर जगह का सब कुछ अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास तो अगर मान लो तुम में से किसी ने क्राइम किया तुम्हारा फिंगरप्रिंट अगर उसे मिल गया तो वो फिंगरप्रिंट आधार कार्ड से मैच करेंगे और तुम्हारी सारी दुनियादारी कुंडली निकल जाएगी ध्यान रखना अच्छे से तो गवर्नमेंट के पास सब इवन आंखों का स्कैन हाथों का फिंगर का सब स्कैन उसके पास है ध्यान रखो तो फिंगरप्रिंटिंग क्रिमिनोलॉजी में यूज होता है क्रिमिनोलॉजी मतलब क्राइम जो करते हैं उन्हें पकड़ने के लिए ठीक है ध्यान देना आगे बात बात करते करते हैं हैं अब अब इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट चलो हम इसकी जरा फटाफट सारे बच्चे ध्यान देना ठीक है सर आपने क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन ऐसा प्रॉमिस किया था आपने एक ही वीडियो बनाया आर्यन पाटिल अब दोबारा मैसेज मत करना मैं आज शाम तक डाल दूंगा ठीक है पचास मैसेज तो इसने यही कर चुका क्वेश्चन बैंक का सारा सॉल्यूशन मैं तुम्हें दे दूंगा ठीक शाम तक आज या कल सुबह पक्का डन ओके चलो अब यहां जान दो तो इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है देखो भारत देश में आज से अगर कुछ साल पहले 20, 25, 30 साल पहले की बात करें तो सिर्फ अमीर लोग ही अच्छे थे जिनके मम्मी पापा अमीर थे गवर्नमेंट जॉब में थे आज उनकी लाइफ बहुत अच्छी है तुम्हें भी देखने को मिलता है कि वो फैमिली से अंदर से फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है बट जो पहले के गरीब थे ना किसान थे उनको ना पेट भर खाना भी नहीं मिलता था भारत देश में आज से चालीस साल पहले ऐसी भूखमरी हुई थी कि दूसरे देशों से खाना मंगाना पड़ता था अपने देश में गेहूं चावल ये सब कभी होता ही नहीं था हमारे देश में क्योंकि जो सॉइल थी वो अनफर्टाइल थी और जो भी उगता था वो उसमें भी कोई न्यूट्रिशन नहीं होता था उसके यील्डिंग बहुत कम होती थी वो तो अच्छी बात है ऐसे साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट लोगों का कि इन्होंने ग्रीन लाया हमारे भारत देश में। पंजाब एक पहला राज्य है जहां इतना, ग्रीन हुआ। ग्रीन में तो आई। में इतना घास इतना फसल उगी नए नए वैरायटी की विद प्रॉपर न्यूट्रिशन विद प्रॉपर कि आज के वक्त में हम दुनिया को खाना देते हैं गेहूं चावल हमारे यहां से एक्सपोर्ट होता है कोरिया जैसे देशों में अगर हम लोग अपने यहां से फसल क्रॉप नहीं भेजेंगे मर जाएंगे भूखे दाल बिल उधर नहीं होता पल्सेस हम यहां से भेजते हैं उन्हें ठीक है दूसरे देशों में हम इंपोर्ट करते हैं यहां पे चावल गेहूं राइस बासमती का राइस अपने यहां के किसान खुद नहीं खाने को मिलता उसे और वो दूसरे देशों को हमारे ही इंडिया के लोग बना करके दूसरे को भेजते हैं तो ऐसे खतरनाक न्यूट्रिशियस राइस हमारे देश में आने लगे दिस इज ऑल ड्यू टू रिवॉल्यूशन ध्यान रखना अच्छे से तो हमारा इंडिया बहुत आगे बढ़ गया ऑफ स्वामीनाथन व्हाइट रिवॉल्यूशन भारत देश में आज से नहीं आज से पचास हजार साल पहले जब भगवान श्रीकृष्ण इस दुनिया में हुआ करते थे तभी से हमारे देश में मिल्क प्रोडक्शन बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कन्हैया को ऐसे ही माखन चोर नहीं कहते यार ठीक है क्योंकि सोचो मतलब आज से हजारों साल पहले हमारे भारत देश में मिल्क से माखान बनाने की टेक्नोलॉजी पता थी मतलब भारत देश में पहले से ही बायोटेक्नोलॉजी लोगों को मालूम है तभी तो माखान बना ना घी मक्खन ये सब मिल्क से बना ठीक है तो सोचो हम इंडिया वाले पहले से मिल्क से बहुत चीजें बनाते थे हम प्योर वेजिटेरियन हुआ करते थे तब ठीक है इन चीजों को ध्यान रखना बट अब पता नहीं क्यों सब मेरी मर्जी में तुमको जो खाना है खाओ मैं बता रहा हूं कि मिल्क इज मोस्ट इंपोर्टेंट वन और इसी चीज को अमूल फैक्ट्री ने देखा कि यार मिल्क प्रोडक्शन बहुत बड़ी बात है और अमूल ने दुनिया में व्हाइट रिवोल्यूशन ला दिया आज के वक्त में अमूल एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है इन दी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिल्क के प्रोडक्ट लाइक चीज एंड ऑल सब कुछ बनाती है दिस इज बात करते हैं ब्लू रिवोल्यूशन अब जैसे कि तुम सब जानते हो कि कुछ नॉन वेजिटेरियंस भी लोग हैं ठीक है और इसके लिए मुंबई के बहुत से कोस्टल एरिया साउथ इंडिया साउथ इंडिया के सारे समुद्र के किनारे वाले एरिया यहां पे ना बहुत ज्यादा मछलियां होती हैं इन मछलियों को निकाल के इन्हें पाला जाता है इन्हें फर्टिलिटी के लिए फर्टिलाइजर दिया जाता है अब पहले के जमाने में क्या होता था कि कुछ मछलियां होती थी जिनको कम न्यूट्रिशन होता था जिनमें खा तो लोगे बट कम न्यूट्रिशन मिलेगा अब हम उन्हें ऐसे फर्टिलाइजर देते हैं जिससे कि ना उनकी बॉडी में ताकत आती है और बड़ी बड़ी मस्कुलर मछलियां होती हैं उनको खाओगे तो तुमको ज्यादा मसल्स और ज्यादा प्रोटीन मिलता है तो ये ब्लू रिवॉल्यूशन है ठीक है नील क्रांति जिसे कहते हैं फर्टिलाइजर बीस बार बता चुका क्या है तो ये खाद रहती है डालने का तो ज्यादा यील्डिंग होती है ये इंसेक्टिसाइड कीड़े को मारने वाली दवा ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि केचुआ बिचुआ का इस्तेमाल करके और तुम फार्मिंग कर सकते हो अच्छी खासी बाकी तो सब ठीक है एप्रीकल्चर बता दिया कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट अब अपने महाराष्ट्र के अंदर एडुलसा एडूस एडलसा एक ऐसा प्लांट है जिसका इस्तेमाल खांसी की दवाई बनाने में किया जाता है और नीम के बारे में जो तुम जानते ही हो कि नीम दुनिया का एक ऐसा प्लांट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं और ये इतना बेस्ट प्लांट है कि दुनिया की सारी बीमारियों को ठीक करने में हेल्प करता है हजारों करोड़ों इसके टाइप है हजारों बीमारियों को ठीक करने का काम इसका है कहते हैं ना कड़वी चीज अच्छी होती है इसीलिए हमेशा समझ के रखना और लास्ट टॉपिक है फ्रूट प्रोसेसिंग तुमने जेलीज खाए होंगे नहीं क्या जेल जैम टोमेटो जैम किसान जाम पता नहीं कौन कौन सा आता है सब खाया होगा तुमने ये सब फ्रूट का फर्मेंट करके उससे बनाए जाते हैं तो ये सब ना फ्रूट के ही जेली जैम ये सब कुछ होते हैं इसे कहते हैं फ्रूट प्रोसेसिंग और इसी की हेल्प से हमारे सारे सारे प्रोसेस किए जाते हैं तो गाइज खत्म हुआ ये चैप्टर किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे अब बता दो स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट था कॉन्सेप्ट तरीके से अच्छे से बताया और लास्ट में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था तो लास्ट में ऐसे पढ़ा दिया ठीक है ध्यान रखना अच्छे से चलो अंशिका कहती है राह में रुकावट आए तो कभी ना रुकना क्योंकि प्रशांत सर ने सिखाया है हमें आगे बढ़ना वाओ किसी भी परिस्थिति में हमेशा खुश रहना खुद से पहले दूसरों की मदद करना यही तो है हमारे गुरु प्रशांत सर का कहना वाओ अंशिका यार रियली 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 आई एम ब्लेस्ड वाओ क्या बात है ठीक है, वाह यार रियली क्या ही मस्त लिखा तुमने सो रियली ग्रेट कार्बन कंपाउंड का वन शॉट बना के डाल दिया है एक बार जाके देखो तो सही सही ठीक है चलो चलो गाइस ध्यान रखना आप अच्छे से मैंने सारी चीजों को डिटेल में बता दिया है क्योंकि अब आप ही समझो ना कि वन शॉट एक घंटे के अंदर सारे चैप्टर को खत्म करना इतना बता दिया हूं कि अगर इतना पढ़ लोगे तो हर एक क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे और वन शॉट रिवीजन के लिए रहता है ना कि तुमने पढ़ा पढ़ा है है और और तुम्हें तुम्हें पहले से पता है और वही चीज रहा हूं अगर एक एक लाइन टू लाइन बताऊंगा तब तो फिर चार घंटे का लेक्चर मैंने पहले डाल रखा है जाओ देख लो उसे अगर इतना डिटेल में पढ़ना है तो फिर वो भी वीडियो डाल रखा है जाओ प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चार घंटे का वीडियो है एक बार देखो कि ये चैप्टर खत्म और अगर क्विक विजन करना है तो ये मैंने बना दिया है इसे अच्छे से देख लो फायदे में रहोगे ठीक है चलेगा ना चलो ओके टेंथ स्टडी ठीक है चलो सपना कह रही है बचपन की बातें बताओ सर इलेवेंथ <laughs> में बताऊंगा तुम लोग के लिए इलेवेंथ का पूरा साइंस हमारे चैनल में मिलने वाला है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी आईआईटी आई नीट की सबकी प्रिपरेशन बस एक दो महीने बाद स्टार्ट करूंगा तुम्हारे टेंथ के बोर्ड के बाद पूरा इलेवेंथ डिटेल में करवा के देंगे हम लोग लाइव लेक्चर कहीं ट्यूशन मत लगाओ ठीक है चलो यूरिया एक नाइट्रोजिनस कंपाउंड होता है जो हमारे यूरिन से बाहर निकलता है ये हमारा वेस्ट मटेरियल है ठीक है ये हमारे बॉडी का हो गया लेकिन जो ये फर्टिलाइजर वाला यूरिया है ये डिफरेंट है ये यूरिया फिलहाल ये भी नाइट्रोजन से ही बनता है और ये हमारे सॉइल को फर्टाइल करता है बट एक टाइम आता है कि बहुत ज्यादा यूज करने से पत्थर बन जाते हैं सॉइल में और उस पत्थर उस स्टोन के वजह से हमारी सॉइल अनफर्टाइल हो जाती है तो ज्यादा यूज नहीं करने का यूज करने का पर इतना भी ज्यादा यूज नहीं करने का वट इज मीन ने पूछा पैथोजेंस जो होते हैं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स जो बाहर से हमारी बॉडी में आते हो जिनको जिंदा रहने के लिए होस्ट की जरूरत हो मतलब ये बाहर तो मरे हैं बट अंदर आके जिंदा हो जाते हैं जैसे वायरस तो इन्हें पैथोजेंस कहते हैं बायो फर्टिलाइजर वापस बताओ नहीं समझा इतना आसान टॉपिक बायो फर्टिलाइजर जो बस फर्टिलिटी देता है और क्या जो राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया से बनता है कहा गया यार यही तो था हाँ देख लो तो ड्यू टू यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल फर्ट यही तो तुमको बताया था ना कि केमिकल फर्टिलाइजर नाइट्रोजन फिक्सन इन सब का इस्तेमाल करने से हमारे हमारे जो सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो हम लोग बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो प्लांट इंप्रूव होते हैं इनकी सोल्यूबिलाइजेशन एबिलिटी बढ़ती है और ये कैसे बनता है तो मेनली राइजोबियम नॉस्टॉक एनाबेना इन सब बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके बायो फर्टिलाइजर की क्रिएटिविटी हम करते हैं इसको बनाते हैं दैट्स इट ये टिश्यू को इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करता है बताया तो था पहले इतना आसान है दो लाइन का आंसर है ठीक है थैंक यू दिव्या थैंक्स अलॉट सो क्लियर है बच्चा बॉडी किसी को कोई डाउट किसी को कोई डाउट है क्या बोलो फटाफट डाउट नहीं है तो आगे बढ़ू चलो सो so, अब चलते हैं चलने का टाइम आ गया जय निकम अब डीपीपी क्या ही करोगे क्वेश्चन बैंक पढ़ो ना क्वेश्चन बैंक मिल गया है तो डीपीपी की कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन बैंक पढ़ लो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की कोई जरूरत नहीं चलो गाइस ठीक है सो so, अब बाय बाय टेक केयर हाँ गाइस मैं तुम लोग के लिए ना एक चीज और लॉन्च करने वाला हूं मतलब अभी तो मैंने एक एक चैप्टर रिवाइज करके दिया अब मैं ना दो दो तीन तीन चैप्टर रिवाइज करके दूंगा तुम्हें मतलब दो चैप्टर एक ही वीडियो में और अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देने वाला हूं विद क्वेश्चन बैंक ठीक है तो वो भी तुम्हें देने वाला हूं तो 15 मार्च के पहले सब दे दूंगा अब रोज लाइव होगा कल नौवा चैप्टर रहे दसवा चैप्टर रहेगा फिर फिर साइंस का भी वन शॉट खत्म और साइंस वन का पहले ही वन शॉट मैंने खत्म करके दे दिया है साइंस वन का पूरा वन शॉट पहले ही खत्म कर दिया है मैंने ध्यान रखना इस चीज को ठीक है सो so गाइज अब चलो चलते हैं गाइज थैंक यू सो मच थैंक्स अ लॉट माइ डियर फ्रेंड्स मिलेंगे अब हम इसी तरीके के नेक्स्ट वाले चैप्टर में कल 11 बजे नाइन्थ चैप्टर सोशल हेल्थ और उसका वन शॉट देखेंगे कल बहुत मजा आएगा फुल कॉमेडी लेक्चर रहेगा बहुत मजा आने वाला है तो कल सब लोग आना बहुत आसान टॉपिक है फिर उसके बाद हम दसवा चैप्टर पढ़ेंगे और हमारा साइंस टू का वन शॉट खत्म बोला था ना और अभी मैथ्स वन भी चालू करूंगा मैथ्स टू तो विजय सर ने ले लिया तुम जानते हो पूरा वन शॉट सर ने एक एक चैप्टर को एक ही वीडियो में पूरा रिवाइज करके दिया है सर ने जो बच्चा उसे लास्ट में अच्छे से देखेगा उसका फायदा होगा मैं मैथ्स वन का भी अब जल्दी लेने वाला हूं तो मैथ्स वन मैं लूंगा ठीक है जल्दी करता हूं स्टार्ट कल परसों से तो चलो गाइज थैंक यू सो मच थैंक्स थैंक्सॉट फॉर लव एंड सपोर्ट थैंक यू सो मच शेयर सब्सक्राइब जरूर करना अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दो ठीक है बाय बाय टेक केयर मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में चलो ठीक है मेरा लाल लाल ला ले रा कभी तो तेरे नैना मिल गई कभी तो तेरे दिल से मिल गए ना 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 तेरी झलक सरफी तेरी झलक सरफी श्रीवाली कुएं में कूद गई श्रीवाली टपक गई कि देखो खाई में कूद गई ला ला अगला बंद नहीं हुआ अभी अरे बाप रे ए सॉरी मेरे को लगा बंद हो गया अरे बाबा <laughs> अरे तुम लोग सुन रहे हो बताते भी नहीं हो यार गलत बात चीटिंग चीटिंग <laughs> ए, गलत बात है ये मैंने अभी देखा यार अंकिता कह रही है मत जाओ <laughs> कल आऊंगा ना फिर से जाऊंगा तभी तो कल आ पाऊंगा वरना यहीं गिर जाऊंगा लटक जाऊंगा दो घंटे बाद और <laughs> यार रिकॉर्ड मत करना तुम लोग भेजो मत किसको नाक कटवा लोगे मेरी <laughs> मेरे को लगा मैंने सेशन बंद कर दिया है चलो ठीक है बाय बाय टेक केयर अच्छे से रहो सब लोग बाय बाय हैप्पी शिव जयंती बाय बाय